लाइफ स्किल का जो कोर्स है वो इससे 2 साल पहले की बात करें तो जो हमारे पास बच्चे आते थे वो बोलने में सबसे इसका ज़्यादा फायदा रहा, बोलने में। जो बच्चे शुरुआत में आते थे बिल्कुल नहीं बोलते थे, बोल ही नहीं पाते थे, अपने कुछ भी विचार है उसको रखने में बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर ये लाइफ स्किल का कोर्स आया तो शुरुआत में जो हमें जो बच्चे मिले वो वही कंडीशन के मिले कि बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब ये कोर्स को हम धीरे धीरे शुरुआत के पढ़ाए, हमारे शिक्षकों ने, ट्यूटर साथियों ने, फैकल्टी ने इसको बच्चे के ऊपर बताए, हम लोग को बहुत मजा भी आया। तो मतलब कहने का मतलब है कि लाइफ स्किल के कारण ही बच्चे आज खुलकर सामने आ रहे हैं, अपने मुद्दों को सामने रख रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से बातें कर रहे हैं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मतलब ये उनमें कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। पानी की बहुत समस्या थी, हम लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता, और जो पास में नल है वो इसमें से गंदे पानी निकलते हैं पीने के लिए भी नहीं, और यह तालाब में भी जो है उसमें पानी मतलब गंदे हैं। तो यहाँ भी काम हो जाए कि तालाब में अच्छे से पानी भी आ जाए, और जो इसमें से यहाँ से कुछ काम होता है तो हम लोग यहाँ से पानी भी ले जा सकते हैं, और जो यहाँ से पानी भर कर भी लेते हैं वो नल जो है वो बहुत मतलब गर्मी के समय में नहीं चलता, गर्मी समय में और तो इसे 1 महीना चलता है फिर बंद हो जाता है फिर चलता है। हमारे बोलने के बाद मतलब सरपंच जी फिर यहाँ बोर्ड फिट करवा दिए, खाना भी गए, तो हम लोगों का काम बहुत अच्छे से हुआ, और ये देख भी लीजिए कि जो हुआ है। हाँ मैम, भैया लोग बोलते थे क्या करने जा रहे हैं, फालतू काम कैसे बोले नहीं सर, बोल रहे थे गाँव के लोग भी बोलते थे क्या करोगे, ऐसे ऐसे करते वैसे करते नहीं, हम लोग को मिला है, हम लोग करके बताएंगे, देख लेना आपको कैसे होते थे। सरपंच चाची किन्ने टाइम आगे तो नहीं पता, ऐसे बोल देते थे काम है ऐसे करके, तो फिर जाते थे स्कूल आते थे ना तो सुबह फिर जाते सब सब सहेलियाँ तो मिले थे सरपंच, बोले चाचा ऐसे ऐसे बात करना ऐसे करके, तो बोले ठीक है इसको चर्चा करेंगे ऐसे करके बोल, और हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारे बोलने के बाद कम से कम लोग बोले ना, मैं बात चालू हो। तो हमारे गाँव में वैसे बोर्ड खुलवा चुका है, हम लोग बोले उसके बाद खुलवाए, फिर उसके बाद बोला है कि धीरे धीरे करके वो टेप नल भी होंगे, सभी के घर पे टेप नल आएंगे, और बहुत अच्छे से सबका सारे काम हमारे हो गए, हमारे प्रोजेक्ट फैला है। खुशी लग रहा है, हमारा बेटी पढ़ा है लेकिन ऊपर जा पढ़ाता है मास्टर, तो पढ़ाए हम सब बूटा कर लिए, वो पढ़ा है मास्टर ऐसे कहा था, बढ़िया लगेगा तो बढ़िया ही रहेगा, उतने आगे बढ़ेगा उतने ही मतलब अच्छा लगेगा। अब ऐसे हो जाते कि मतलब अब है आगे बढ़ा थे कि मतलब अपन दिमाग से जो भी मतलब चला थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते थे यहाँ पढ़ने के आते, हमारे गाँव में स्कूल 5वीं तक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस गांव में 12वीं तक स्कूल बने, तो हमने इसके बारे में भी बात की सरपंच से कि हमारे गांव छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पैदल चल के आराम से पढ़ने ना जाना पड़े, पूरे यहाँ से मिलकर गाँव से मिलकर बोले कि अपने बच्चे के लिए कम से कम स्कूल तो बनाइए, यहाँ हम लोगों को दूसरे गाँव पढ़ने के लिए जाना ना पड़े, हमारे गांव में स्कूल भी बढ़ रहा है। इतना से बताइए कोई भी बच्चे आते हैं बोलते हैं कुछ भी तो हमको अच्छा लगता है, कसम कोई आप हमारे से भी टूटी फूटी कोई काम ना हो बताता है तो अच्छा लगता है कि वो काम मैं और करूँगा, जहाँ तक हो सकता है तो हम गांव के ही कुछ काम करने के लिए बने, जहाँ गाँव वाले मुखिया बनाए